छोटी सारी जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना के आदेश अनुसार चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की अवैध शराब और लोकल एवं स्पेशल एक्ट अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए एक आयशर ट्रक से 164 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 10 लाख आकी जा रही। पुलिस उपाधीक्षक परबत सिंह जेतावत ने बताया कि इंचार्ज थाना संभुलार को सूचना मिली कि एक आयशर ट्रक में भारी मात्रा में अवैध शराब से भरकर हरियाणा से होकर आ रहा था, जो थाना क्षेत्र से निकल रहे NH 113 के रास्ते से राजकोट गुजरात की तरफ जाने वाला है। इस पर टीम ने अपने मुखबिर की सूचना के आधार पर हाईवे पर लगातार निगरानी रखते हुए शुक्रवार को सुनियोजित तरीके से नाकाबंदी करते हुए एक आयशर ट्रक को रुकवाया। तलाशी लेने पर ट्रक के अंदर से 164 पेटी अवैध शराब की जब्त की गई। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय एसपी पूजा अवना मधु के आदेशानुसार अवैध शराब की धरपकड़ हेतु नाकेबंदी की जा रही थी कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक कंटेनर महाराष्ट्र पासिंग होकर अमूल दूध लिखा हुआ है निम्बाड़ी की तरफ से आएगा एवं गुजरात जाएगा, जिस पर डोरा नाकेबंदी निम्बाड़ी की तरफ से कंटेनर आया जिसको रोका। ड्राइवर ने गाड़ी को बीच रोड पर खड़ी कर उतर कर भागने लगे, जिनको मैं जाता मैं पीछा कर पकड़ा और नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम भजन लाल, दूसरे ने प्रताप राम बताया। दोनों ही जाति विष्णुई है और जिला जालौर के रहने वाले हैं। ट्रक कंटेनर में क्या भरा हुआ बात पूछा तो संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। फिर तसल्ली देकर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसमें अंग्रेजी शराब भरी हुई, जिस पर कंटेनर जब्त किया और शराब को जब्त की। शराब 164 पेटी अंग्रेजी शराब की थी जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है, जो गुजरात के राजकोट जाना बता रहे थे। इनको गिरफ्तार किया और जब्त किया। छोटी सादी से कैलाश शर्मा की रिपोर्ट।